सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूँ MSBT समर एग्जाम 2020 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में जो है आप जानोगे कि भाई जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो कब डिक्लेयर होगा, कब जो है अपडेट आ जाएगा MSBT की साइट के ऊपर, और दूसरे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो UGC के जो गाइडलाइंस थे उसका क्या इम्पैक्ट है MSBT के गाइडलाइंस के ऊपर, यानी कि MSBT अपने खुद के गाइडलाइंस कब जारी करेगी, और आपको बहुत कुछ जो है इस वीडियो में जानने मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं UGC की गाइडलाइंस के बारे में। तो गाइस वो जो वीडियो था वो बहुत बड़ा था, 16 मिनट का वीडियो था, और कल जो है मैंने आपको वीडियो डाली थी जिसमें उदय सामंत जी जो है बच्चों को बता रहे हैं कि MSBT की एग्ज़ाम जो है कैसे कंडक्ट होगी, जिसमें उन्होंने ये डेफिनेटली कहा है कि भाई एग्ज़ाम तो हम लेंगे ही लेंगे, कोई भी कीमत पर जो है एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे जुलाई में, 1 जुलाई से लेकर 17-18 जुलाई के बीच के पीरियड में जो है एग्ज़ाम होंगे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो MSBT का जो टाइम टेबल है, तो अभी जो लेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा अपडेट मिला है वो भी जो है उदय सामंत उसमें यही बताते हैं कि भैया जो भी जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो बनाया जाएगा, जो गाइडलाइंस है वो बनाए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ UGC, जो UGC ने गाइडलाइंस दी है उसी के बेसिस पे जो है वो गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, और ये जो गाइडलाइंस हैं ये 3 से 4 दिन के अंदर जो है MSBT की वेबसाइट पर जो है डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अब तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझनी होगी। अगर आप पुणे मुंबई जहाँ पे कोरोना सबसे ज़्यादा है, अगर ऐसे एरिया में अगर आप आते हो तो आप लोगों के लिए जो है एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जाननी चाहिए वो है कि आप लोगों को जो है ग्रेडिंग के थ्रू जो है पास कर दिया जाएगा। इस ग्रेडिंग के अंदर होगा ये कि भाई आपका जो है 50% मार्क जो है लास्ट सेमेस्टर में आपका जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पे होगा, और 50% मार्क जो है आपके करंट सेमेस्टर में आपने कैसे इंटरनल एक्टिविटीज़ जो भी किए हैं उसके बेसिस पे होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपका 100% मार्क जो है डिपेंड करता है थ्रू आउट जो आपने ईयर क्या एक्टिविटीज़ किए उसके बेसिस पे होगा, लेकिन ये उन एरियाज़ के लिए है जहाँ पर जो है डेंजर जोन यानी कि रेड जोन डिक्लेयर किया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम तो होके ही रहेगी, तो आपके जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल जो भी कुछ है तो अस पर UGC गाइडलाइंस वो होंगे, तो वो कैसे कंडक्ट किया जा सकता है, वो कंडक्ट किया जा सकता है यूजिंग गूगल क्लासेस, यूजिंग स्काइप, मतलब आपको जो है स्काइप के थ्रू जो है आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे एक्सटर्नल ओरल उस टाइप से। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई जो एग्ज़ाम्स हैं एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह जो है एग्ज़ाम जो है थ्योरेटिकली लिया जाए। तो अगर आप UGC की गाइडलाइंस पढ़ते हो तो उसमें ये साफ साफ क्लियरली मेंशन किया है कि यूनिवर्सिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, वो चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ले सकती है। आपका क्वेश्चन पेपर भी ज़रूरी नहीं कि आपको जो है थियोरिटिकल क्वेश्चन हो सकता है वो MCQ टाइप क्वेश्चन हो सकता है वो ओपन बुक टेस्ट हो, तो ये जो है प्योरली जो है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर छोड़ दिया। तो इसी तरीके से जो है ये कम्प्लीटली MSBT पे छोड़ दिया है कि आपके जो पेपर हैं वो थियोरिटिकल होंगे या ऑनलाइन होंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन होगी या ओपन बुक टेस्ट होगी, तो कम्प्लीटली अभी MSBT के हाथ में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके पेपर 3 घंटे के होंगे या 2 घंटे के होंगे, ये भी कम्प्लीटली MSBT के हाथ में छोड़ दिया है। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि भाई पुणे में जो है ऑनलाइन है तो मुंबई में ऑफलाइन भी हो सकती है, तो ये सब कुछ जो है अभी पूरी प्लानिंग के हिसाब से बनाया जाएगा, और ये जो गाइडलाइंस है जल्दी जो है MSBT की साइट पर जो हमें देखने मिल जाएंगे। तो ये 3 से 4 दिन के अंदर ये गाइडलाइंस डिस्प्ले हो जाएंगे। वो गाइस एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपके इंटरनल असेसमेंट मार्क्स बहुत मैटर करने वाले हैं थ्रू आउट द कोरोना पीरियड के अंदर। तो जो भी आपको काम बोला गया है उसे डेफिनेटली पूरा करो, और प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग जो है UDEME जो भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म साइट है वहाँ पे जो है एक आधा आप अच्छा सा कोर्स करो जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है, कोर्स कोई भी हो जो आपकी रुचि का हो, चाहे वो पाइथन हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, ये जो है आपको जो है बेटर रिजल्ट्स देंगे। तो इसके ऊपर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे ये क्या है कैसा है सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके डाउट्स क्लियर की होगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।